हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन में। दोस्तों आज जो मैं सीरीज से बात करने वाले हूँ वो बात करेंगे वैधता और विश्वसनीयता की, यानी यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट की हमारी सीरीज चल रही है और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे वैधता और विश्वसनीयता की। यहाँ पर आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझना है कि वैधता किसे कहते हैं और विश्वसनीयता किसे कहते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन और को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो किसकी बात करनी है, वो हमें बात करनी है वैधता की, समझना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैलिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलिडिटी। अगर आपको कभी भी वैधता से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको किस तरीके से उसको सही करना है, मैं आपको यहाँ पर ट्रक के साथ बताऊंगा। मान लीजिए हम वैधता की बात करें या वैलिडिटी की बात करें, तो जब भी वैलिडिटी की बात होगी तो यहां पर एक आपको शब्द मिलेगा शिक्षण उद्देश्य। अगर कहीं पर शिक्षण उद्देश्य आपको शब्द दिखाई दे रहा है तो ये समझ लीजिए हम बात किसकी कर रहे हैं, वैधता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम वैधता की बात कर रहे हैं। अब समझना क्या है, मान लीजिए मैंने कोई एक ऐसा परीक्षण बनाया, समझना, मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक ये परीक्षण बनाया है। अब ये जो परीक्षण मैंने बनाया है ये इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है, यानी ये जो परीक्षण है इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया। और जब ये परीक्षण इस उद्देश्य की क्या कर देता है, जब ये परीक्षण इस उद्देश्य की पूर्ति कर देता है, समझ रहे आप, समझना, मतलब ये जो परीक्षण है जब इस उद्देश्य की पूर्ति कर देता है, क्या कर देता है, पूर्ति कर देता है, तो ये जो हमारा परीक्षण वो क्या कहलाएगा, ये जो हमारा परीक्षण वो कहलाएगा, हमारा वैध कहलाएगा। कहने का तात्पर्य होता है वैधता उसे कहते हैं जब किसी परीक्षण का निर्माण किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है और वो परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वो परीक्षण हमारा कैसा कहलाता है, वैध कहलाता है। अब थोड़ा सा आप इसको समझना, समझ, जब एक परीक्षण का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिस उद्देश्य के लिए किया जाता है वह परीक्षण, समझ रहे, वह परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति करता है, वो हमारा परीक्षण क्या कहलाता है, वो हमारा परीक्षण क्या कहलाता है, वैध कहलाता है। यानी समझने वाली बात यहां पर ये रहेगी कि वैधता का संबंध जो होता है, अगर यहां पर एक और तरीके से मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए जो वैधता का जो संबंध है या वैलिडिटी का जो संबंध माना जाएगा वो आपको बता देना परीक्षण के उद्देश्यों से माना जाएगा। किससे माना जाएगा? परीक्षण के उद्देश्यों से। और जिस परीक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर जिस परीक्षण का निर्माण किया गया अगर वो परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वो हमारा परीक्षण कैसा कहलाएगा, वैध कहलाएगा। जब भी वैधता की बात होगी तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि जहां पर उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है, जहां पर जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर परीक्षण का निर्माण किया गया अगर उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो वो हमारा परीक्षण कैसा कहलाएगा, वो हमारा परीक्षण वैध कहलाएगा। समझ में आ रहा है? यहां पर सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो मैंने यहां पर लिखा है शिक्षण उद्देश्य, अगर शिक्षण उद्देश्य की क्या होगी है, पूर्ति होगी है, पूर्ति मतलब एक तरीके से वो प्राप्त भी कर सकता है,
कि जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमने जिस परीक्षण का निर्माण किया गया है वो उस परीक्षण उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, तो ये समझ लीजिए वो परीक्षण हमारा कैसे कहलाएगा, वो हमारा परीक्षण वैध कहलाएगा, समझ लें। लेकिन जब हम वैधता की बात करते, किसकी बात करते, जब सॉरी विश्वसनीयता की बात करते, इसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं, तो यहां पर जब भी विश्वसनीयता की बात होगी तो समान परिणाम से होगी, समान परिणाम की जो प्राप्ति होगी वो हमारा क्या कहलाएगी, विश्वसनीयता कहलाएगी, समझने है? मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, जब भी वैधता की बात होगी तो कौन सा स्टेटमेंट हमें याद रखना है, शिक्षण उद्देश्य याद रखना है, यानी जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमने जिस परीक्षण का निर्माण किया है वो हमारा क्या कहलाएगा, वैध कहलाएगा। लेकिन जब भी विश्वसनीयता की बात होगी तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा स्थिर रहेगा, यानी समान रहेगा। एक और तरीके से मैं आपको बात कर तो यहां पर जो भी रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो स्थिर रहेगा, चाहे कितनी भी कंडीशन यहां पर हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी रही हो, लेकिन जब भी उसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा स्थिर या समान रहेगा, तो ये समझ लीजिए वो परीक्षण कैसा है, हमारा विश्वसनीय कहलाता। अब इसको थोड़ा सा समझिए, मान लीजिए देखो ये एक छात्र है, समझना ये एक छात्र है, और ये एक तरह से ये समझ लीजिए हमारा परीक्षण, ठीक है, समझ रहे। अब इस परीक्षण को ये समझ लीजिए बहुत सारे टीचरों ने इस छात्र पर प्रयोग किया, यहां पर इसने इस पर प्रयोग किया तो इसने प्रयोग किया, इसमें प्रयोग किया, यहां पर प्रयोग किया, ये प्रयोग किया, यानी ये जो मैं आपको बता रहा हूं विभिन्न टीचर बता रहा हूं, यानी जितने भी विभिन्न टीचर इस परीक्षण को जब इस छात्र पर लागू करते हैं, लेकिन सबका जो रिजल्ट है वो कैसा आता है, समान आता है, सेम आता है, तो ये समझ लीजिए वो हमारा परीक्षण कैसा कहलाएगा, वो हमारा परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा, वो हमारा कैसा परीक्षण कहलाएगा, वो हमारा परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। कहने का तात्पर्य ये एक परीक्षण हो, इन विभिन्न टीचरों, पांच टीचरों ने इस छात्र प्रयोग किया, अब प्रयोग करने के बाद उसका जब भी रिजल्ट आया वो रिजल्ट उसका सेम आया, रिजल्ट कैसा आया उसका, वो सेम रिजल्ट आया। अब सेम रिजल्ट आया है तो इसका मतलब स्थिर है, हमारा समान है, और जब भी परिणाम की बात होगी परिणाम हमेशा समान या स्थिर रहेगा, तो ये समझ लीजिए वो हमारा परीक्षण कैसा कहलाएगा, विश्वसनीय कहलाएगा, कैसा परीक्षण कहलाएगा, विश्वसनीय कहलाएगा। और यहां पर अगर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर परीक्षण का निर्माण किया गया, अगर वो उस उद्देश्य की प्राप्ति करता है तो वो हमारा परीक्षण कैसा कहलाएगा, वो हमारा परीक्षण वैध कहलाएगा, कैसा परीक्षण कहलाएगा, वैध कहलाएगा। अब थोड़ा सा यहां पर आपको समझना है जो आपके लिए फायदेमंद भी शायद रहे, समझना, नोट डाल के मैं अभी आपको यहां पर एक चीज बताऊंगा जो आप समझना, भी यहां से क्वेश्चन कई बार यूजीसी नेट में पुटअप हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पुटअप हुआ है, पीजीटी में हुआ है, कई जगह हुआ है। देखो समझना मैं क्या बोल रहा हूं, पहला पॉइंट मैंने आपको ये वाली बताई है कि किसी परीक्षण के वैध होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है, ये वाली बात आप समझना, विश्वसनीय होना आवश्यक है, समझ रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, दूसरा सेंटेंस है किसी परीक्षण के विश्वसनीय होने के लिए उसका वैध होना आवश्यक नहीं है,
ये दोनों सेंटेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेने हैं। अगर कोई परीक्षण वैध है तो कंपलसरी उसका विश्वसनीय होना, अगर कोई परीक्षण विश्वसनीय है तो जरूर नहीं वो वैध होगा। ये वाली बात आपको थोड़ा सा समझनी है कि किसी परीक्षण के वैध होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है या नहीं, समझना। क्या वो आपसे ये वाली बात बोलेगा, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए, किसी परीक्षण के वैध होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक नहीं है, किसी परीक्षण के विश्वसनीय होने के लिए उसका वैध होना आवश्यक है, जो भी जो मैंने लिखा है। अगर मैं इसको एक और डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए ये हमारी रिलायबिलिटी है, ये हमारी क्या रिलायबिलिटी है और ये हमारी वैलिडिटी है, समझना। अब मैं यहां पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी परीक्षण के विश्वसनीय होने के लिए उसका वैध होना आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी परीक्षण के वैलिडिटी यानी वैधता होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है। और ये वाली बात मैंने यहां पर आपको बताई भी है कि किसी परीक्षण के वैध होने के लिए, किसी परीक्षण के वैध होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है, लेकिन किसी परीक्षण के विश्वसनीय होने के लिए उसका वैध होना आवश्यक नहीं है। ये वाला सेंटेंस इधर देखा जाए, किसी परीक्षण के विश्वसनीय होने के लिए उसका वैध होना आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी परीक्षण के वैध होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है। और ये अगर आपके दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो यहां से एक नंबर आपका कंपलसरी पक्का हो जाएगा। मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, यहां पर थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपको यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 7217377533। आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सब्जेक्ट हमारा एजुकेशन और बीएड रहेगा, इनसे संबंधित आपको पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर नोट्स तैयार किया गया। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं नोट्स का, अगर नोट्स पसंद आता है तो आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको वैधता और विश्वसनीय बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, जब भी वैधता की बात होगी तो शिक्षण उद्देश्य की बात होगी, जब भी विश्वसनीयता की बात होगी तो समान रिजल्ट की बात होगी, और किसी परीक्षण के वैध होने के लिए, देखो किसी परीक्षण के वैध होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है, और किसी परीक्षण के विश्वसनीय होने के लिए उसका वैध होना आवश्यक नहीं है। ये अगर सेंटेंस आपको समझ में आ गया तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। अगर यह सेंटेंस समझ में आ गया कि जो परीक्षण जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वह परीक्षण कैसा कहलाएगा, वैध कहलाएगा, विश्वसनीय कहलाएगा, तो आपको उद्देश्यों की प्राप्ति होगी तो वैध बताना है, लेकिन जब परीक्षण रिजल्ट समान देता है, परिणाम हमेशा स्थिर रहता है, तो वो हमारा परीक्षण कैसा कहलाता है, विश्वसनीय कहलाता है। ये वैधता और विश्वसनीयता, और इसके प्रकार इसकी वीडियो डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने नंबर दे दिया, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।